कहा ठीक है 6 महीना भजन करो, 6 महीना बाद में तो मेरी लगन लगी, उनकी कृपा है। लगन बहुत अच्छी लगी थी, हमें कोई दिखता था, छाक छाक भोग लगाते तो हमें कोई ना कोई निकलता था कुटिया से बाहर, जब खोलते कोई निकलता, कोई टक्कर मारता था हमारे, और प्रसाद में ऐसा रस बरसता था लोगों, और ऐसा सपना देखा हमने श्रीधाम भरसाना में रह करके कि पूरे जो घूरे पड़े थे नील बरन जैसे, हम बताते नहीं, आप सब छुपाते हैं, आपको बता नहीं, हम अनुभव नहीं बताना चाहते। चढ़कर के चरण छपे हुए थे, रज लगी हुई थी पूरी चरण में, और चरण रज छपी हुई थी पूरी बाकायदा। फिर मैं आ गया वहां से भिक्षा करके। तो रसिक संतों के दर्शन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे रसिक संत का दर्शन करवाने वाले हैं जिनकी जीवन यात्रा शुरू तो नैनीताल से हुई थी, दीक्षा भी उनकी नैनीताल में हुई है, लेकिन कैसे वो वृंदावन तक पहुंचे, कैसे नैनीताल से वृंदावन की पूरी उनकी जीवन यात्रा रही है, जब उनसे मिले तो उन्होंने अपनी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हमें बताई। इसमें एक विशेष अनुभूति है कि जब वो पूज्य श्री महाराज जी के पास प्रथम बार दर्शन करने गए, जब उन्हें पता चला कि पूज्य महाराज जी की दोनों ही किडनियां खराब हैं, तो उन्होंने महाराज जी के लिए एक दवाई भी बनाई। और भी ऐसी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हैं जो यहाँ, जिस समय वो यहाँ पधारे थे उनके गुरुदेव ने जो उनको आज्ञा करी थी, उस आज्ञा के तहत जैसे जैसे वो रसिकों से यहाँ मिले उनको इतनी दिव्य अनुभूतियां हुई है, वो दिन भर अपने श्री राधा रानी के लिए रोते रहते हैं, उनको दर्शन भी प्राप्त होते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, वो ऐसी घने जंगल में ऐसी कुटिया बनाकर रह रहे हैं जहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे स्थान पर भी वो सिर्फ अपनी मधुकरी करके अपना जीवन जीते हैं, ना किसी से कुछ पैसा लेते हैं, ना किसी को पैसा देते हैं, उनका जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बस नाम जप करते रहना, श्री जी की याद करते रहना, और श्री जी की याद में उनके दर्शन के लिए तड़पते हुए रोते रहना। जब हम उनसे मिले, बात करते करते श्री जी के बारे में बताते बताते, अपने अनुभूतियां बताते बताते उनकी आंखों से अश्रु का प्रवाह हो गया। ऐसे ही एक दिव्य संत के पास हम आपको लेकर जा रहे हैं जो इतने दिव्य हैं जिनके मुंह से श्री जी के अलावा, गुरुदेव के अलावा, उनके परम गुरु के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं होती है। जब हम उनके पास बैठे 1-1.5 घंटा जितना देर हम उनके पास रहे, हमें भी इतनी दिव्य अनुभूतियां हुई, और उन्होंने अपने जो अपने पर्सनल बड़ी दिव्य अनुभूतियों के बारे में बताया, वो बहुत अद्भुत समय था। आइए मिलते ही उस संतों से, कैसा उनका जीवन रहा, उनसे ही अपन सब कुछ जानते हैं। श्री हरि श्रीवंश बाबा, श्री हरिवंश बाबा, सबसे पहले अपने पूर्व जन्म के बारे, जीवन के बारे में बताइए, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कैसे वृंदावन आना हुआ आपका? जी, मेरा जन्म प्रभु ये डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में तहसील पवाएं पड़ता है, वहाँ पे मोहनपुर बलरामपुर के नाम से जाना जाता, वैसे तो उसको पहाड़पुर कहते हैं, गांव का नाम पहाड़पुर है, और ये जिला शाहजहानपुर में है, जबकि ककरहुआ के पास में है, ब्राह्मणों का गांव है, हमारे भी गांव में ब्राह्मण रहते हैं। जब मैं 5 साल का था, जब मेरा स्वर्गवास हो गया, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद हमारा कोई पिताजी ने तवज्जो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो हमारे ननिहाल को खबर हुई, हमारी नानी आई, हमको ले गई, तो 10-11 साल उन्होंने परवरिश किया मेरे को पाल करके, फिर वो नानी पधार गए, नाना भी पधार गए, माई मामा भी सभी चले गए, कोई नहीं रह गया, तो ननिहाल में कोई था नहीं हमारा, तो मैं अचानक वहाँ से सोच करके अब कहाँ जाएँ भगवान, मेरे को समझ में नहीं, मैं अचानक चल पड़ा, किसी की बैलगाड़ी देखी, तो उस बैलगाड़ी के मैं कुछ पीछे पीछे चला, हिम्मत नहीं पड़ी हमारी, किस पे कहूँ बैठा लो, तो उसने कहा कहाँ जाओगे बेटा, हमने कहा कहाँ जाएंगे भाई, हमारा तो कहीं घर नहीं, अपने कहाँ ले चलो, वहीं रह लेंगे, जीवन बिता लेंगे, कहा बैठ जाओ गाड़ी पे, तो रात को मैं बैठ गया, रात में पहुँचे करीब 8-10 बजे रात को, तो उसने कहा तुम खाना पीना खा लो बना के, हमने हाँ, क्यों उसमें विचार ऐसे चलते थे, छूत छुआ ज़्यादा मानते थे, तो हमने हाँ बना लेंगे भाई, तो दाल चावल दे दिए, तो उसको खिचड़ी बना कर मैंने जैसी बनी उसको पाई, पाने के बाद मैं सो गया। सुबह को उसने कहा भाई हमारे पास काम तो कुछ है नहीं, तो हमने भाई काम नहीं है तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। फिर उनके घर से हमें सुबह को भूखा ही था, खाना रात को खाया, फिर सुबह चल दिया, चलते चलते मैं एक शहर में पहुंच गया, वहाँ बाघ रखाते थे, जो बागमान बोलते हैं उनको, आम टूट रहे थे, मुसलमान ने कहा
बेटा कैसे आए हो, आम बिनवा दोगे तुम हमारे, हमने कुछ पैसा दे दोगे? कहा हाँ हम तुम्हें 100 रुपया दे देंगे, हमने भी ये खाना पीना। बोले खाना एक पंडित जी हैं हमारे लिए लाते हैं, उनके यहाँ से आपको भोजन मिल जाएगा, दोनों टाइम 100 रुपया मिल जाएगा। हमने ठीक है भाई, मैं 100 रुपये उसको 100 रुपये पर राजी हो गया। एक महीने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद फिर हमने कहा भाई कपड़े तुम्हारे पास है ही नहीं, ऐसा करो 100 रुपये दे दो, हम कुछ बना लें सर, मिल जाए तो ठीक है। तो आजकल पंडित जी करते रहे, 100 रुपये नहीं दिए। हार मान के 1.5 महीना बाद वहाँ से ऐसे ही चल दिए। फिर एक पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में, मोहद्दीनपुर गांव पड़ता है, उसमें ठाकुर श्रीपाल रहते हैं, उनके लड़के के पास इंचार्ज साहब हैं, राजकुमार नाम उनका है। तो उनके पास एक हमारे दूर के रिश्ता से बहनोई लगते थे, वो उन्होंने शाहजहानपुर में जब मुझे देखा स्थिति में, तो मुझे साइकिल पर बैठार करके घर ले गए। और हमारे पास वस्त्र भी नहीं थे, अपने हुए उन्होंने कपड़े पहरा करके फिर उनके यहाँ एडजस्ट कराया। कहा कि अब तुम जो हो यहाँ पे कुछ काम कर लोगे, हम लोग क्या करेंगे। बोली बड़े आदमी शीर है, देखना है, बड़े आदमी 5,000 बीघा ज़मीन है, उसको देखना है तुमको, और कुछ काम नहीं करना, तुमको पैसा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। 2-3 साल वहाँ रहे, 2-3 साल रहने के बाद फिर हमने कहा काम किया, हमने कहा आपको बहुत समय हो गया, पैसा तो थोड़े बहुत मिलते हैं, अब कुछ सीख लेते तो बढ़िया। दिमाग घूमा तो मैं चला गया एक बार आगरा 1.5 महीना रहा, फिर वहाँ से वापस लौट। फिर हमने कहा अब काम नहीं चलेगा, ऐसे कुछ सीखो। तो हमारे रिश्तेदार खास बहनोई थे, वहाँ मैं चला गया। तो हमने कहा तुम ऐसा करो कुछ काम कर लो, तो हमने पैसा कितने मिल जाएंगे। बोले कितने लोग, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो हमने जो दे देगा वही ले लेंगे। तो पंडित जी भी वो लोभी थे, उन्हें कहा हम 100 रुपया देंगे, बर्तन मांजें और मीठा खाएं, मिठाई बनाएं, समोसा खाएं, जलेबी खाएं, सब काम इनको सब देंगे, बच्चे कोई हमारे है नहीं, यही बच्चे हमारे, हम पैसा इतने देंगे। तो हम राजी, हमने ठीक है भाई रहने को मिल जाएगा। बोले हाँ, तो मैं रहने को तैयार हो गया उनके यहाँ। 7 साल नौकरी की, 7 साल नौकरी करने के बाद मैं काम पूरा सीख गया हलवाई का। सीखने के बाद फिर हमने कहा पंडित जी ऐसा है, अब तो हम कारीगर भी हो गए, अब कुछ पैसा बढ़ा दो थोड़े। बोले हाँ तुम्हारे 300 रुपया कर देंगे, चलो 300 हो जाए। 300 में करते रहे, तो उन्होंने क्यों दुकान किसी दूसरे की दे दी, उसने हमें हटा दिया। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह देखेंगे भाई, जानते तो सभी हैं कस्बा में। महाराज जी ये सब तो आपका जीवन, लेकिन आप आध्यात्म के प्रति कैसे आपका आकर्षण बढ़ा, कैसे जी रास्ते पर कैसे चले? इस मार्ग पे एक गंगवार का लड़का था, उसी दुकान से मुझे उसने कहा था इस बात के लिए, कहा नैनीताल चलो, मैं तुम्हें नैनीताल गुरु जी से मिलाएं और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमने ठीक, कौन से गुरु जी थे, क्या? श्री शंकर गिरी महाराज जी, शाम खेत भवाली आश्रम है। अच्छा, फोटो नहीं है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो अभी भी वहीं सीट पे विराजमान है महाराज जी हमारे। तो उन महाराज जी के पावन चरणों की कृपा हुई, 1 साल तो कुछ नहीं कहा, जाते आते रहे, 2 साल हो गए, 3रे साल उनने पूछा। नवरात्रि में व्रत रहते हैं, सबको भोजन नहीं दिया जाता, सबको व्रत ही कराते हैं। तो महाराज जी ने रात को पूछा क्या खाते हो, महाराज जी सब्जी खाते हैं। बोले हाँ सब्जी ही खाना, दाल चावल रोटी छोड़ दो। ठीक है महाराज जी। फिर 15 दिन बाहर महाराज जी के पास रहे, वही फलाहार मिलता था एक टाइम 24 घंटे, उसी को खा करके और भजन करते, भजन में खूब बैठने की वृद्धि हो गई, भगवान कृपा है गुरुदेव की। तो उन्होंने कहा आज से दाल चावल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, रोटी चावल कुछ नहीं खाना। तुमने महाराज जी कढ़ाई कैसे उठेगी? तो महाराज जी ने कहा अच्छा, पर्ची डालते हैं हमारे गुरुजी बंद करके 10-15, उसमें से जो लिख कर आ जाए बंद करके डालेंगे, आप उठा करके उनके हाथ पर रख दें। तो पर्ची में साफ लिख करके आया दाल चावल रोटी छोड़ दो, 3 बार उठवाई, 3 बार ही लिख करके आया। बोले महाराज अब तो त्रिमाचा हो गए हमने हमारा। बोले अब नहीं खाना। तो 11 साल गुरुदेव की कृपा से अन्न नहीं खाया और भजन में खूब मन लगा, भजन करते थे हम 18-18 घंटा, 36-36 घंटा बैठ जाते थे, हमको भूख प्यास नहीं सताती थी, ऐसी कृपा उनकी पावन चरणों की बरसती थी। अब तो व्यापती है रोटी लेने जाते हैं, 3-3 दिन हमको पता ही नहीं रोटी कहाँ है, हम नहीं याद करते, किसी ने दे दिया प्रसादी आधा किलो पाव भरा लो, तो ठीक नहीं प्यारे भजन करना है। यही गोपाल खार में रहा, सिद्धाम वृंदावन में, यहाँ से रहने के बाद जब गुरुदेव के चरणों में गए तब उन्होंने कहा, रात पूछा कहा तुम कहाँ से? हमने महाराज जी वृंदावन से आए। तो वृंदावन का नाम सुनते ही महाराज जी उछल गए, कहा वृंदावन से चले, वृंदावन के समान हम तो 3 लोक में जगह नहीं। अब आंख बंद करके बोला गुरुदेव
हमें वहीं भेज दो। मन ही मन में कहा प्रभु हमें वहीं भेज दो। मैं घबरा गया, हमारी मार होगी, बचेंगे नहीं। तो उनकी कृपा हुई, कहा तुम धनंजय आनंद गुरु भाई का नाम है, कहा वहाँ जाओ हिमालय में, कोकड़ा देवी का मंदिर है बगुलामुखी देवी का, वहाँ शेर रहता है, महाराज जी ने नहीं बताया, हमको पता नहीं। जब वहाँ पहुँचे तो एक महात्मा रहता है, उसने कहा है, और मैं भूख ही गया। रात को पूरे चलते रहे, पूरा दिन चलते रहे, गाड़ी ले गए महाराज जी की, चार पहिया गाड़ी है मार्शल, धनंजयानंद महाराज चला लेते हैं। तो उन्होंने कहा, खून कर दिया रास्ते में, कहा एक बाबा आ रहा भूखा है, उस प्रसाद बना लिया। तो भूखा था, इतना बड़ा भगोना में पतीला में प्रसाद बनाया, मैं सब अकेले ही खा गया जब पहुंचा वहां पर। फिर मैं रहा, आठ दिन रहा, तो मैं उठते थे 2 बजे, 2 बजे उठ करके स्नान करके हम भजन पे बैठ जाते, गुरुदेव का आदेश था, शिव जी को जल चढ़ा के और मैं तुरंत आसन पे बैठ जाते, भजन करते रहते थे 8 बजे, फिर उठते थे। तो एक दिन वो महाराज जी बोले, तुम 2 बजे उठते हो? ना, बोले भाई ये तो गलत है तुम्हारा रास्ता, मैं क्या करूँ, गुरुदेव का आदेश है। कहा नहीं नहीं यहाँ तो शेर रहता है, वो माता का शेर है, वो अंदर जाएगा, कहीं तुम धोखे में उठ गए बैठे और पैर पड़ गया, पूछ तुम्हें फाड़ खाया, फिर क्या करोगे? अब यहाँ 8 बजे उठना, हमने ठीक, मैं घबरा गया, गुरुदेव को आदि किया तुरंत, हमने गुरु जी यहाँ तो खतरा है महाराज जी, अब हमें यहाँ से वृंदावन पहुँचा। मैं रात में बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। तो वहाँ पर एक सामला स्वरूप और चीपिया लोहे के हाथ और मेरे पास में बैठ के लेटे थे हम, तो उन्होंने कहा चलियो नाई। तो हमारी आत्मा ने कहा, ये ठाकुर जी हैं तुमसे ये कह रहे वृंदावन के लिए, तुमने महाराज जी आप चलो, हम चले आएंगे। सुता ही दूसरे दिन सुबह रात, तीसरे दिन श्री धाम वृंदावन आ गए, आज तक हम यहाँ से गए ही नहीं। तो यहाँ कितने वर्ष हो गए महाराज जी इस बात को? ये बात हो गई है कम से कम 14-15 साल हो गए जी, ये बात को 15 साल हो गए। और ऐसा सपना देखा हमने श्री धाम भरसाना में रह करके, ये पूरे जो घूरे पड़े थे नील बड़न जैसे मड़ी, चारों तरफ मड़ी ही मड़ी, वो सीन हमने आज तक नहीं देखा। तो किशोरी जी की कृपा हम पर हुई, लगन किशोरी जी में लगी थी, बहुत रोते थे, कांटे लगते नहीं थे, लगते तो हमको पता ही नहीं चलता, खूब लगते थे, नंगे पद चलते थे। और किशोरी जी की कृपा ऐसी बरसी, हमने एक बार फलहार में काशी फल दिया महात्मा ने, अभी राम कुमार कांठिया बाबा मौजूद हैं, आपको प्रिय पोखर बैठे हैं। तो हमने कहा महाराज हम तो अन्न खाते नहीं, बोले काशी फल है बना लो अपना। हाँ, तो काशी फल बनाया सुबह को और रख दिया, हमने शाम को पाएंगे एक बार थोड़ा प्रसाद है। तो साहब जब भोग लगा के प्रसाद पाने के बैठे तो हमको ये पता नहीं चला ये काशी फल है, हम तो आलू खा रहे हैं। तो हमने मन ही मन में विचार किया किशोरी जी की कृपा हम पर, गुरुदेव का आदेश है यहीं बरसाना रहो, क्या करूँ, किसी को गुरु यहीं को बनाऊँ तो जल्दी किशोरी जी प्रकट हो जाए। ये मन में भाव जगा मेरे अंदर से सुबह को कुछ बात निकली, तुमने कहा महाराज जी हम यहीं गुरु बना लें किशोर, किशोर ये नहीं बताया उन्हें, मन ही मन में कह रहे हम पर किशोरी जी की कृपा है, मैं चाह रही हूँ, इतना बड़ा दृश्य दिखा दिया है, काशी फल का तत्काल बदल दिया, आलू का स्वरूप दिखा दिया, तो इसको मतलब हमें यही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा रामायणी गुरु जी हैं वहाँ रहते, तो उन्होंने कहा उनको बना दो, तो एक मौनी बाबा रहते यहीं रह रहे हैं समय राधा टीला पे, उन्होंने कहा तुम बनाओगे हम तुम्हें बनवा लें। तो कुछ स्वामी श्री श्री 108 बाबा जगन्नाथ दास जी प्यारी कुंज बंधवन कॉलोनी मेरे पास विराजमान थे, उनको हमारा परिचय नहीं था, उन्होंने कहा हम उनको बना दें, उन्होंने कहा हम तुम्हें रसिक बनवा देंगे, उनको क्यों बनाओ? अच्छा मैं इस बारे में महाराज नहीं जानते थे रसिक कैसे होते, मैंने सोचा किसी ऊपर से उतरते होंगे वो रसिक होंगे, हम तो नागा संप्रदाय में पले नागाओं की भाषा को जानते, अब उस भाषा को हम समझ नहीं पाए, हमने महाराज रसिक तो बहुत ऊँचे होंगे, संत कबीरदास जैसे होंगे, वो तो ऊपर से उतरते होंगे, ये मेरे मन में विचार आया। तो हमने महाराज आप बनवा दो, हमने तो बोले तुम वृंदावन चलो और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। हमने महाराज कैसे ढूंढोगे, हम तो वहाँ जाएंगे पता कहाँ ठहरेंगे, बोले जहाँ ठहरे वहाँ ढूंढ लेंगे। महाराज 8 दिन बाद तो श्री मुनि बाबा हमारे पास गोपाल खारम पहुँच गए, हमने महाराज जी इनको लगता सिद्धि है, इन्होंने बिना पताए हमको यहाँ ढूंढ लिया और आकर के महाराज जी हमारे पास पहुँच गए, और चलो तुम्हें हम दीक्षा दिलवा। तो प्यारी कुंज आए और मैंने गेट खटकाया, तो महाराज जी बोलना फिर हम दीक्षा लेंगे। महाराज जी ने देखा तो महाराज जी डन, महाराज जी मैं आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूँ, बोले मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं। तो मुनि बाबा साइड में खड़े थे आगे आगे, तुरंत महाराज जी प्रणाम किया, धन्यवाद।
तत्काल लिखा, लिख करके दिया उन्होंने पर्चा, कहा ठीक है 6 महीना भजन करो, 6 महीना बाद हम तुमको दीक्षा दें। तो मेरी लगन लगी, उनकी कृपा है, लगन बहुत अच्छी लगी थी। हमें कोई दिखता था, छाक छाक भोग लगाते तो हमें कोई ना कोई निकलता था कुटिया से बाहर, जब खोलते कोई निकलता, कोई टक्कर मारता तुम्हारे, और प्रसाद में ऐसा रस बरसता था कि हमें भजन करते थे, भजन करने को जैसे बैठते थे तो हमें छवि दिखती, और ऊपर से नीचे तक शिवलोक, राधा रानी, कृष्ण जी सब विराजमान है, छाक छाक छवि दिखाई देती। मैं खो जाता था, ऊपर चला जाता आँख बंद करके, महाराज जी महावाणी सुनाते थे और प्यारी कुंज में बैठते थे, मैं ऊपर दृष्टि चली जाती, सब रसिक जन बैठते थे, नीचे पदगार है और हमारी दृष्टि ऊपर सीन देखती, शिवलोक सुंदर और लीला का प्रसंग बहुत सुंदर दिखाई देता, किशोरी जी बैठी है लाल वस्त्र में, श्याम सुंदर के हाथ में बंसी है, ऊपर बंसी की धुन बज रही है, ऐसा सीन दिखाता था। लेकिन गुरुदेव के मुँह से एक शब्द निकला तो मैं उसी दिन से थोड़ा भयभीत हो गया। गुरु जी शाम को बोले, कहा भजन करे तो उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, मैं इस बात का अर्थ नहीं लगा पाया क्यों पढ़ा लिखा नहीं। हमने कहा गुरु जी तो कह रहे आनंद नहीं आना चाहिए, मैं तो विभोर हो जाता हूँ, अब क्या करूँ। तो वो आनंद की विभूति उसी दिन से साइड में हो गई है। अब कृपा तो होती है, लेकिन उतनी बड़ी कृपा होती है जितनी उनकी इच्छा है, हमारे सोचने से नहीं होता है, गुरु जी की कृपा से ही कृपा हो, गुरु जी कृपा है, कृपा होती है, इसी बात कृपा होती है। कुछ प्रेमानंद महाराज जी की भी कृपा है, पूर्ण कृपा है। गुरुदेव से कभी जो नाम आपने लिया सतगुरुदेव, वहां से भी मुलाकात आपकी, मुलाकात हुई किस समय की बात है, कब ऐसा? ये जब मदन टेर में इनका सत्संग चलता था पूज्य गुरुदेव महाराज जी का, तब मेरे गुरु जी कारे बाबू में भर्ती थे, उसी समय एक संत भगवान हमें मिल गए, उनके दर्शन करके आए, और वाकई बिहारी के दर्शन करके जब निकले, संत भगवान छोटे से स्वरूप में खोखला आश्रम के पास उन्होंने रोक लिया, कहा बस रुके, धीरे धीरे मीठी माड़ी बोले, कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? हमने कहा महाराज फलानी जगह से आए हैं। कहा सत्संग सुनने आए करो? हमने कहाँ हो महाराज? बोले मदन टेर में होता है महाराज, मदन टेर तुमने देखा नहीं, तुम जाओगे तो मिल जाएगा वहीं पर। एक घंटा श्री महाराज जी ने ले लिया और एक घंटे रोके रोके, फिर हमने कहा और जितना वो बोले उतने हमारे अंदर मतलब हृदय में जागृता प्राप्त हुआ, अंदर बढ़ती जाए, महाराज जी का सत्संग सुनेंगे वो कैसे हैं, जैसे ही बोले उतना भरता जाए हमारे अंदर, भरता जाए। तो हमने उसी समय से मुझे लगन लग गई, यहीं रहते थे जब, तो हमने कहा महाराज जी हम जरूर जाएंगे, आपकी कृपा है। अब मैं महाराज जी को याद करें छवि नहीं देखी पूज्य गुरुदेव, इन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा हुई। तो 15 दिन हो गए हमने महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे, सत्संग कहाँ होता, एकाशी महारानी आ गई, और मैं सोच करके चल दिया आज काशी है, मैं चल दिया। तो मदन टेर के ठीक सामने जैसे पहुंचे तैसे पूज्य महाराज जी की गाड़ी आ रही, मुझे ज्ञान नहीं कि इसमें महाराज जी हैं, देखा ही नहीं कभी। तो जैसे मैं साइड में गाड़ी मेरे पीछे पीछे ड्राइवर ला रहा, तो मेरी थोड़ी सी गलती हुई, मेरी थोड़ी तिरछा नज़र हो गई, क्यों नागर संप्रदाय पले थे, बिगड़े हुए थे, बढ़िया तो नहीं थे। तो जैसे दृष्टि तैसे से महाराज जी एकदम गाड़ी में से उतर के खड़े, मैंने तुरंत दंडवत की, हमने यही महाराज जी, दूसरा नहीं कोई हो सकता, गाड़ी में से निकले तो यही यही मदन के, उनके पीछे पीछे चले गए और बैठ गए उनके चरणों में। कहाँ से महाराज जी प्यारी से? अच्छा अरे भाई आप तो काशी हमने हमारा, अरे भाई संत भगवान है बहुत सम्मान देते हैं, ऐसी पूजनीय मूर्ति, रोके हूँ रोने के सिवा कुछ आता नहीं अंदर से इनके प्रति। तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत सेब मंगाया, किशमिश भर के दोनों अपने हाथ में लेकर के इस दुष्ट दास को दिया। मैं यहाँ तक कहता हूँ पहली बार मुलाकात हुई, कैसा अनुभव था जब पहली बार आपके गुरुदेव से संपर्क को मिला, कैसा मन में कैसी भावनाएं थी? बढ़िया भाव में बता रहे हैं आपको, उनकी कृपा हमने महाराज जी से कहा महाराज जी सत्संग बोले, हाँ 7 बजे आओगे तो अंदर जगह मिले, शीशक रूम है उसके अंदर, 7:15 बजे आओगे तो बाहर। ठीक है महाराज, मुझे लगन लग गई महाराज, मैं उसी दिन से महाराज जी के चरणों में गया। और पहले बार पहले दिन जब भागे तो लघोटी खराब हो गई, बेरिया बुद्धा वाली बेरिया बगीची है, यहीं से वापस आ गए दोबारा। फिर दूसरे दिन गए, हमने कहा आज हिम्मत तोड़ देंगे तो जा नहीं पाएंगे, जरूर सत्संग सुने, पूज्य गुरुदेव से प्रसाद प्राप्त हो चुका, वो ऐसी अखंड मूर्ति है, जरूर जाए। दूसरे दिन मैं फिर भजन करके 2 बजे रात को भजन करके फिर समय से निकल पहुंच गया।
महाराज जी के चरणों में पहुंचे और सत्संग सुना बैठे, तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी अंदर से निकल के आते थे, वहीं बैठते थे। और बैठने के बाद एक बार जब गए हैं उठ करके, तो मैं उनके चरणों को छूना चाहा तो हाथ ऐसे थे, ऐसे हो गए, दोनों चरण हाथ पे रख गए, फिर सिर पे हाथ रखा, कहा लगे तो नहीं गुरुदेव, आपके पावन चरणों की कृपा है, हमारे कैसे लगेगी, जब कृपा दृष्टि आपकी पूरी बरसरी, हमारे क्या लगे, कृपा है। उसी दिन से मेरे आसपास होने लगा, जब मैं ब्रज के नीचे बैठ करके सत्संग सुनते थे, रोने के सुबह कुछ याद नहीं आता था। पहला सत्संग सुना था गुरुदेव का संकेत पट से, जो किशोर जी मिलकर के चली जाती, जब ठाकुर जी तय अवस्था हो जाते, एक साल तो दुर्दशा में हम बोलते रहे कि महाराज जी से दोबारा सत्संग अब नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिल जाते हमको, वही सत्संग ही याद रहे, हम सुनते रोज थे लेकिन वही याद रहे कि हम महाराज जी का सत्संग सुन रहे यहाँ, और हम बैठे हमारा मन वहाँ जहाँ ठाकुर जी संकेत बट गए, वहाँ पे हम स्थान पे बैठे वही देख रहे, किशोरी जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, हम वही सीन देख रहे बैठे। तुम समझे जी, आज मैं आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, बताते नहीं किसी को, किसी को ये बात बताते नहीं, अपने अंदर अंदर रखी मैंने ये बात, महाराज जी को भी नहीं बताई, वो जो गुरुदेव बोलते और हमें वो चीज दिखाई देते लेकिन कभी किसी को नहीं बताया। 3 महीने सत्संग सुना गुरुदेव, फिर हमने कहा ये हमें मिल जाए, ये तो बहिर्दय बस गया, ये तो उतर गया, बहुत रोता पीटता घूमा उनके शिष्यों के पास, हमने भाई वो सत्संग भर दो, चिप ले आए 400 रुपया, आज भी प्राप्ति नहीं हुई प्यारे, आज भी भटक रहा, ये ऐसा उच्च कोटि का सत्संग, महाराज दुर्दशा हो जाए, यहाँ अकेले सुन ले दुर्दशा हो जाए, जैसे ठाकुर जी को अचेत अवस्था में जब हो गए, हम तो मरे एक समान हो जाए, अगर वो सत्संग आज भी हम सुने, मिल जाए, मिल ही नहीं पाए, खूब कोशिश लगाए, पूरी ताकत झोंक दी, बहुत डोला मैं उनके शिष्यों के पास जो भरते थे, बोले वो तो पता बता हमने, वो हमें इतना तो उसके बाद फिर क्या यहाँ वृंदावन में आ पाए, फिर गुरुदेव से संपर्क रहा, फिर मिले या कैसे, या सत्संग फिर भी सुनते जी गए महाराज जी से, जब लोग पूछते थे कि महाराज जी से मिले, तो हमने कहा नवल नागरी दास पास में रहते थे, तो हमने महाराज जी, एक महाराज जी और थे प्रिया दास, उनको समय में भेंट नहीं हुई काफी समय, तो हमने महाराज जी हमें कुछ हाँ नंबर आए महाराज जी, तो महाराज जी ने वो बोला होगा, तो मैं कह महाराज जी मैं भजन तो करता हूँ लेकिन भजन मन नहीं टिकता है ऐसी गलती, बोले कोई बात नहीं तुम भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, डोर तुम्हारे हाथ में है, पतंग कहाँ जाएगी, भजन बढ़ाओ, भगवत प्राप्ति नहीं होगी भजन नहीं बढ़ाओ, जब से मैं अपने भजन में रहता हूँ, मैं किसी के पास जाता हूँ तो उनके चरणों की कृपा है, हम भजन में कुकाद करते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं, किस माला रहेगी दिन में और सो जाएंगे तो माला छाती पर रख जाएगी, सो जाए, तो यहाँ पे दिनचर्या कैसी होती है, कैसे जीवन दिनचर्या में, अब वैसे तो कहते हैं अनुभव की वस्तु बताई नहीं जाती, गुरुदेव भी बोलते हैं जी प्यारे लेकिन ऐसे क्या है जो आप बता सकते हैं जी, उससे जो भक्त जन है जो नए नए जुड़ते हैं उनके प्रति भाव बढ़ता है जी, गुरुदेव बोल मना करते हैं लेकिन जब किसी का भाव बढ़ सकता है उससे किसी का भला हो सकता है, तो मुझे लगता है वो बता सकते, जितना आपको अनुकूल लगता है इतनी बात हम बता सकते हैं, यदि आपको अनुकूल लगे तो आप बताइए कि दिनचर्या कैसी होती है, सुबह उठ के कैसी दिनचर्या रहती है, क्या रात में करते हैं, कैसे प्रसादी वगैरह आती है, कहाँ कैसे आप मधुकरी करते हैं, और क्या भाव रहते हैं उस दिन भर में पूरे, क्या अब ये भाव की बात आपको बताएं, यहाँ पे अभी उन महाराज जी का नाम तो नहीं हम जानते, अब दीक्षा हो गई इनको पता होगा, अब मेरे पास यहाँ कुछ दिन रह गए 2-1.5, तो यहाँ हमारा आसन लगता था इस पे, तो कम्बल बिछा के हम छोड़ के चले जाते थे मधुकरी, वो महाराज जी यहाँ पूजा करते थे ठाकुर जी के अपने, तो हमारे आसन पे चढ़कर के चरण छपे हुए थे, रज लगी हुई थी पूरी चरण में, और चरण रज छपी हुई थी पूरी बाकायदा, फिर मैं आ गया वहाँ से भिक्षा करके, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये किसी बच्चा के पैर तुम्हारे कमर पे बने हैं, तो मैं इधर से घूमा उधर गया, तो बच्चा बीचों बीच में कैसे आ गया, एकदम चढ़कर कूद के कैसे आया, मैंने चरणों को जब देखा हमने ये साधारण चरण नहीं महाराज, ये साधारण चरण नहीं, कोई आया कोई नहीं आया तुम्हारे पीछे महाराज, जब कोई नहीं आया तो यहाँ लाडली जी आई, नहीं तो फिर ललिता सखी जरूर कृपा करने आई, एक कृपा है हम पर, हम बताते नहीं आपको, सब छुपाते हैं आपको, बताने हम अनुभव बात नहीं बताना चाहे, लेकिन जो हम सब चीज़ें रोक के हैं प्यारे, उनकी कृपा है, कोई हमें
उनकी कृपा है पूज्य महाराज जी के यहाँ पे आते हैं, सखी जन आते हैं। अब ज्यादा कैसे नहीं, नहीं, बिल्कुल जो आप इतने में छुपाऊं जी।